ओबीएस कहानी नंबर 6। परमात्मा ने इसहाक का खातर इंतजाम किया। जब अब्राहम बुढ़ा हुईगा था तो तीसरा पुत्र इसहाक भी जवान हुईगा था। इस खातर अब्राहम ने अपना एक सेवादार तेस देशा विच भेजा जेती तेसरे रिश्तेदार रहो थे ताकि से अब्राहम रे पुत्र इसहाक का खातर एक करवाली ले सको। एक लंबी यात्रा के बाद अब्राहम रा सेवादार तेस देशा विच पहुंचा जेती अब्राहम रे रिश्तेदार रहो थे। परमात्मा ने से सेवादार रिबका साथे मिलवाया। रिबका अब्राहम रे भाई री पोती थी। रिबका अपने परिवार के छाड़ी के अब्राहम रे सेवादार साथे इसहाक कर करे जाने खातर मानेगी। जिया ही रिबका पहुंची इसहाक ने तेसा साथे ब्याह करीला। एक लंबे समय बाद अब्राहम री मौत हुईगी। तेबे परमात्मा ने अब्राहम रे पुत्र इसहाक के आशीष दी थी क्योंकि परमात्मा ने अब्राहम साथे वाचा बानी थी। तेस वाचा बीच परमात्मा ने एक वादा किया था कि अब्राहम रे अनगिनत वंशज होने पर रिबका रे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। इसहाक ने रिबका खातर प्रार्थना की और परमात्मा ने तेसरी प्रार्थना सुनी और तेसरी करवाली खे तेसी समय जुड़वा पुत्र आशीष दी थी। जिस समय से बच्चे रिबका रे पेटा बीच थे से तेसारे पेटा बीच यापी पीछे लड़ने लगे। इस खातर रिबका ने परमात्मा से पूछा कि ये क्या होने लगी रहा। परमात्मा ने रिबका खे बोलिया, तैं दो पुत्ता खे जन्म देना और तिनारे वंशज दो अलग अलग बरादरियां बननियां। सो एक दूजे साथे लड़ने पर बड़े पुत्ता ते पैदा होने वाली बरादरी के छोटे पुत्ता ते आने वाली बरादरी रा आदेश मानना पड़ना। जे वे रिबका रे पुत्ता रा जन्म हुआ तो बड़ा पुत्र लाल और कांबला तरह रोमदार पैदा हुआ। तिना ने तीसरा नाम एसाव रखा और छोटा पुत्र बड़े पुत्र री आडी पकड़े हुए पैदा हुआ और तिना ने तीसरा नाम याकूब रखा।